हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ आप लोगों को। वैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा एंड आई होप आपने थंबनेल देख लिया होगा, तभी आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन एक कुरियर पिक करने। तो उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ बाई एजेंट, खुद का मैं नहीं बता रहा। खुद का प्रोसेस थोड़ा रिस्की होता है, वो आगे बताऊँगा क्यों रिस्की होता है। तो पहले थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या होता है अब, और ये बता देता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ। तो गाइस, पहले मैंने इम्पोर्टेड गप्पीज मंगाई थी फॉर माई पॉन्ड। अगर मैंने वैसे वीडियोस में नहीं दिखाया, दिखा देता हूँ अपने करंट सेटअप, अपने एक्वेरियम का भी दिखा देता हूँ, और जो पॉन्ड रेडी है मेरी नई आ रही है जो गप्पीज, उनके लिए वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैंने कुछ 40 पेयर्स मंगाए हैं, प्लस ही सेंडेड मी अ गिफ्ट ऑल्सो। सो अब वो अनबॉक्सिंग मैं लास्ट में कर दूंगा अभी इसी वीडियो के। तो आपको क्या, पहले मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ गाइस। अगर आप कुछ भी मंगवा रहे हैं कहीं से भी इन इंडिया, फॉरेन का मैं नहीं बोल सकता, फ्लाइट का, इन इंडिया आप कहीं से मंगा रहे हैं, तो आपको जो एक स्लिप मिलती है, स्लिप में ट्रेन का नाम और एक RR नंबर मिलता है। अगर वो स्लिप भी नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे तो यू कैन इजिली कॉल दैम एंड आस्क कि कौन सी ट्रेन है एंड देन RR नंबर क्या है। उसके बाद आप लोग चाहो तो खुद जाके ले सकते हो, वहाँ पे एक काउंटर होता है, वहाँ पे अपना RR नंबर बता रहा होता है। फिर आपको जो बॉक्सेस का डिपार्टमेंट होता है, उस बॉक्सेस के डिपार्टमेंट में आपको जाके वो बिल्टी देनी होती है, फिर एक ऑफिसर को देना होता है चेक करने के लिए, उसके बाद आपको मिलता है ये अगर आप खुद लेना चाहो तो ले सकते हो। बट इसकी भी एक चीज़ मैं बता दूँ, एक मेरे नोन है बहुत अच्छे, उनका एक्वेरियम शॉप ही है, वो भी दिलशाद गार्डन के साइड है, तो उनका ये काम है, वो मंगाते रहते हैं। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड बात बात करी, तो उन्होंने कहा भाई आप ना प्लीज़ खुद कोशिश मत करना, अगर खुद कोशिश करोगे तो आपका जो पैकेज जो भी आ रहा है वो ज़रूर मिस हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वहाँ के लोग ही ऐसे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, नॉर्मली बोल रहा हूँ, वो मिस हो जाएगा वहाँ पे आपका पैकेज एंड इधर उधर हो जाता है और फिर आपको नहीं मिलेगा या फिर टूटा जाएगा। अच्छा होगा थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा दे देना आप, बट आपका पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा, तो वो बेटर होगा। एंड मैं भी वही सोचता हूँ कि मेरा इतना इतना महंगा सामान आ रहा है, तो मैं कुछ पैसों के लिए मैं क्यों अपने फिशेस को, मेन इंपॉर्टेंट जान है उनमें, पैसे से भी इंपॉर्टेंट, तो उसको क्यों मैं रिस्क पे डालूँ। तो अगर आप खुद भी जाएंगे तो जो करंट प्राइस चल रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, आई होप चेंज भी होता होगा, जो करंट प्राइस है 110 रुपये की बिल्टी लगती ही लगती है, बिल्टी बोलते हैं जो भी बोलते हैं, जो स्लिप लगती है वो आपको देने पड़ेंगे, वो आपको वहाँ देना पड़ता है। और प्लस अगर आप एजेंट पकड़ते हैं, जो मैंने पैसे की बात हुई है, मैंने एजेंट को कॉल कर लिया था जिससे मैंने माल बाई किया, उसने मेरे को दे दिया था, दिल्ली का एजेंट है, तो उससे बात करिए, 110 तो आपको देने पड़ेंगे, बट एजेंट को देने पड़ेंगे 200 रुपये। तो 90 रुपये ज़्यादा देने में क्या दिक्कत है, आपका बैठे बैठा है काम भी हो जाएगा, जस्ट आपको कॉल करना है, जाके वहाँ खड़े हो जाना, वो बंदा खुद करेगा सब कुछ करना है। और अगर आप खुद करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इधर उधर और ढूंढना पड़ेगा वो थोड़ा, और नए बंदे के लिए वो भी, वो तो और दिक्कत वाली बात होती है हम जैसों के लिए, मैंने भी मेरे को भी दिक्कत होती है, बट एजेंट के थ्रू काम इजीली हो जाता है। तो गाइस, अगर अभी तक तो यही बताना था, अगर वीडियो में कुछ और पूछना है या कुछ मेरे से मिस हो गया तो कमेंट डाउन बिलो जरूर बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आ रहा होगा, मेरे को आप अगर कुछ मेरे से हेल्प चाहिए अपने पेट रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, या फिर डायरेक्टली आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई, मैं आपको क्या सब लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ जो भी कुछ हेल्प चाहिए होती है जिन्हें। एंड गाइस, अब अपना मैं सेटअप दिखा रहा हूँ आपको, क्या सेटअप चल रहा है आजकल। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे मेरी डेली अपडेट्स रहते हैं मेरी फिशेज़ और मेरे पेट्स के जो भी मेरे पास होते हैं, और फिर आपको पॉन्ड दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं क्या सेटअप किया है, बहुत नॉर्मल सेटअप है अभी तो, और वो चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मतलब कहाँ क्या होता है, RR नंबर है कहाँ देना होता है, मतलब वो बता दूंगा हो पाया तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है इस टाइम, दिल्ली में बारिश भी हो रही है तो वो मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, बट आपको मेरे से ज़्यादातर चीज़ें यहीं बता दी है, वहाँ पे तो हर जगह सारी बॉक्सेस बॉक्सेस होते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग मेरे लिए भी था जब मैं पहली बार गया था, ये मेरा दूसरा टाइम है। तो अब पहले पॉन्ड दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में आपको फिशेज भी दिखा दूंगा क्या क्या आया है। तो गाइस, ये मेरा करंट सेटअप है,
जो मेरी फिशेज हैं, ये मेरा ब्रीडिंग पेयर है। वैसे तो मैंने ब्रीड करा ही नहीं, नॉर्मली ले लिया था साइज़ की वजह से, बट ये ब्रीडिंग पेयर है कंफर्म। एक बार उन्होंने किया था बट मेरा जैसा सिस्टम सेटअप है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये मेरी फुल मून ए ग्रेड बेटा है, और ये और जितनी भी दिख रही है ये फीमेल्स हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये सब फीमेल्स हैं मेरी। एंड इसमें एक छोटू सा पोलर ब्लू पैरेट का बेबी भी है, वो अभी मुझे पता नहीं कहाँ है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं स्नेल्स हैं बंच में, और ये इस टाइम सेटअप है। ये आप देख सकते हैं मेरी फुल मून अभी तो उस पर एग्रेसिव हो रही है इस वजह से। अपने एक एक और है इसमें बेटा, बट अगर आप प्लांटेड सेटअप है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी वैसे प्लांटेड भी मेरा बहुत कम है। अगर आप प्लांटेड सेटअप है आपके पॉन्ड का, सॉरी टैंक का, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस टाइम ये मेरा सेटअप है। और गाइस अब मैं, और सॉरी फॉर शेकनेस, इस टाइम मैं हार्ट से ही वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से इतना शेक करिए वीडियो। अब मैं आपको एक पॉन्ड और दिखा देता हूँ क्या सेटअप किया है पॉन्ड में, हीटर लगाया। तो गाइस ये कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स मेरे पुराने पॉन्ड में थे जो गर्मियों में लगा रखा था, वो डाले हैं। हीटर लगाया 200 वाट का, एंड अभी नॉर्मल ही है। फिशेज बाद में डालूंगा मैं, इंस्टाग्राम पे अपडेट आपको मिल जाएगा, तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। तो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन। अरे आपने डब्बा यही छोड़ दिया रोटी वाले, यही टांग नहीं है इस बताई साइड से नहीं गिरा होगा। गाइस ये फिशेस थी मेरी, और आई होप ये बेटा है जो एज अ गिफ्ट भेजी है उन्होंने फॉर मी। बहुत प्यारा पीस है, देख के थोड़ा मतलब कलर बहुत यूनिक लग रहा है। ये तो साइड रखते हैं, और क्या आया है, और बहुत सारी हैं। तो गाइस अब मैं जैसे फिशेस ले आया था तो आपको मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। गाइस पहली चीज़ आप पहले क्या होता है, मैं थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ जो मुझे आज समझ आया। पहले आपकी जिस काउंटर पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आती है उस प्लेटफॉर्म पे एक आपको रिसिप्ट लेनी पड़ती है अगर आप खुद लेते हैं तो। उसके बाद आपको गोडाउन जाना पड़ता है, गोडाउन में वो रिसिप्ट दिखानी पड़ती है विद योर आइडेंटिटी प्रूफ। आफ्टर दैट आपको वो कन्फर्म देते हैं, कन्फर्म करते हैं, फिर आपको गेट पास बनवाना पड़ता है। जो रिसिप्ट बनती है उसके कुछ पैसे लगते हैं, जैसे आज की जो रिसिप्ट थी वो थी 163 रुपीज़ की, वो एजेंट देता है। तो टोट पूरा खर्चा मिला के मुझे आज देने पड़े 250 रुपीज़ इस बॉक्स के लिए। और गेट पास बनता है, गेट पास के बाद एक जगह नोट होता है, नोट होने के बाद फिर आप अपना बॉक्स ले सकते हैं। और अगर खुद करना चाहें, एजेंट के थ्रू करना चाहें, तो सब कुछ एजेंट करता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आए आके अपना आइडेंटिटी प्रूफ उसे दे दो, दे के बस फिर सब कुछ वो कराएगा। मैं तो आज अच्छा है मैंने करा, थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने भी करी जिससे मुझे आप लोगों को शेयर कर पाया और मुझे भी खुद भी पता चला। बट मैंने तब भी 250 दे दिए क्योंकि मतलब एक बंदे को बांध दो एजेंट को तो ज़्यादा बेटर रहता है इसलिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है जो जो था, जैसे भी था। फिशेज भी आपको दिखा दिए, हम जाके मैंने अनपैक करूँगा उन्हें, और आगे आप वीडियो कंटिन्यू मेरे देखते रहिए, मैं रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। बस गाइस टिल 1 फेब 2 5 मार्च तक कोई वीडियो नहीं आएंगी बिकॉज मेरे पेपर्स हैं उस टाइम पे, एंड मैं आउट ऑफ स्टेशन भी होऊंगा पेपर्स के बाद। तो 5 मार्च के बाद अच्छे से तबाही मचाते हैं यूट्यूब पे, बहुत क्रेजी क्रेजी वीडियोज़ आएंगी, ब्लॉग्स आएंगे। एंड गाइस एक चैनल और मैंने स्टार्ट किया है राइड हॉलिक ड्यूड के नाम से, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाइए चेकआउट कीजिए उस चैनल को भी। उस चैनल पे भी बहुत
क्रेजी क्रेजी राइडिंग रिलेटेड व्लॉग्स आएंगे। तो गाइस अब चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और गाइस लाइक किए बिना मत जाना। एंड गाइस 11K जल्दी से कराइए, अब वेट नहीं होता, बहुत जल्दी 11K कराइए गाइस। थैंक यू।